अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर व अला अल्लज़ीना فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। गिनती के दिन तो तुम में जो कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में रखिए, और जिन्हें उसकी ताकत ना हो उन पर एक मिस्कीन का खाना फ़िदिया है। फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज़्यादा करे तो वो उसके लिए बेहतर है, और अगर तुम जानो तो रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई है और फ़ैसले की रोशन बातों पर मुश्तमिल है। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए ज़रूर उसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में रखे। अल्लाह तुम पर आसानियाँ चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और ये आसानियाँ इसलिए हैं ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर लो, और ताकि तुम इस बात पर अल्लाह की बढ़ाई बयान करो कि उसने तुम्हें हिदायत दी, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। जज़ाकल्लाह, सुभानअल्लाह। कारी अब्दुल कदीर साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में कलाम इलाही की खूबसूरत आयात मुबारक की तलावत फरमाई, और इंतहाई ही खूबसूरत लबो लहजे के साथ उन्होंने इन आयात मुबारक का तर्जुमा भी फरमाया है। तो जनाब, लाहौर न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन जागो लाहौर रमज़ान स्पेशल के साथ आपकी मेज़बान मुनीबा आसिफ आपकी खिदमत में हाजिर है। माह रमज़ान अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ जारी और सारी है, और हर मुसलमान ही माह रमज़ान की बरकतें समेटना चाहता है। माह रमज़ान मुसलमानों के लिए बरकतों का सामान है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डायबिटिक हैं, अमराज़े कल्ब और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का शिकार हैं, और माहिरीन के मुताबिक रमज़ान में हाई और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत बढ़ जाती हैं, और इसकी बड़ी वजह होती है सहरो इफ्तार में लापरवाही करना क्योंकि बाज़ औक़ात लोग नमक और चटपटी ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। और ब्लड प्रेशर की बीमारी का शुमार दुनिया की आम तरीन बीमारियों में होता है और लाखों लोग ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और कौमी हेल्थ सर्वे के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान में 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में से 1/3 अफराद ब्लड प्रेशर का इस वक्त शिकार हैं और उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनको अपनी बीमारी का इल्म ही नहीं होता है क्योंकि लोग बिलअमूम अपना ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं कराते हैं। ये प्रैक्टिस आम ही नहीं है इतनी। और हाई और लो ब्लड प्रेशर के शिकार मरीजों को माह रमज़ान में किन किन एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए, रोज़े के दौरान ब्लड प्रेशर कैसे हम बरकरार रख सकते हैं और रोज़े के दौरान ब्लड प्रेशर लो होने से कैसे बचा जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अरशद हुमायूं हैं, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान कैसा गुजरा आपका? हाँ, बहुत अच्छा गुजर रहा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है वो खाना पीना और आम जो जिंदगी है थोड़ी सी रौनक आ जाती है रमज़ान में। जो हर चीज़ में जो है ना एक सिस्टम मौजूद हो जाता है और जिससे हम मुस्तफ़ीद होते हैं। दूसरा अपना डॉक्टर साहब, आज हमने बात करनी है ब्लड प्रेशर के मरीजों के हवाले से। वो हाई हो सकते हैं या फिर लो के मरीज हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक सवाल यहाँ पे आता है कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो इस माह रमज़ान में जो है रहमतें और बरकतें समेट सकते हैं कि नहीं समेट सकते, रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रोज़ा रख सकते, सबसे पहले तो ये बताइए। मुनीबा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ब्लड प्रेशर जिस तरह आपने जिक्र किया कि शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के हैं और अमराज़े कल्ब के लोग हैं, फिर और भी कई बीमारियां जो हैं वो होती हैं। तो चाहिए ये कि जो भी इस तरह के पेशेंट हैं वो रमज़ान के शुरू में अपने फैमिली डॉक्टर से या अपने कंसल्टेंट से ज़रूर रब्ता करें कि कौन कौन सी मेडिकेशन उन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। अच्छा। इसमें मॉडिफिकेशन होती है। शुगर के पेशेंट हैं, उनको हम अफ्तारी के सहरी के टाइम पे ऐसी मेडिसिन नहीं देते जो कि ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा लो कर देती है। तो आमतौर पे हमने देखा है कि जो असर और अफ्तारी का नज़दीक का टाइम होता है उस वक्त ब्लड शुगर कम हो जाता है और उसमें ख़तरा होता है कि कम होने का। उसमें हमने एक मुकर्रर की हुई है लिमिट के अगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बॉडी वेट से कम होगा ब्लड शुगर। अच्छा। तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, बल्कि हम ये कहते हैं कि उसमें रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं। ओके। और इसी तरह अगर ब्लड शुगर जो है वो 300 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो वो भी अफ्तारी के लिए उसमें गुंजाइश होती है। देखना ये है कि जो आपने जिक्र किया ब्लड प्रेशर का, तो ब्लड प्रेशर के लिए भी उसी तरह है कि मॉर्निंग टाइम पे बाज मेडिकेशन जिससे ऐसी मेडिकेशन वाटर पिल जिनको कहते हैं जिनसे जो यूरिनेशन है वो ज़्यादा होती है, पेशाब का आना बढ़ जाता है, तो वो मेडिकेशन जो हैं वो हम सहरी की बजाय अफ्तारी में ले जा सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन ऑफ मेडिकेशंस हैं जो कि डॉक्टर जो हैं वो अपने पेशेंट्स के लिए करते हैं। तो बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि इसमें यह है कि ब्लड प्रेशर को पहले समझा जाए कि है क्या चीज़ है। हाँ। ये जो हमारा जो हार्ट है जो पंप करता है ब्लड को, और वो पंपिंग फोर्स जो है वो शरियानों के ऊपर पड़ती है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा, जितनी ज्यादा जो वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती है उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये जो रमज़ान में खासतौर पर हम चीज़ें देखते हैं कि उसमें इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है, यानी ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी हाई भी हो जाता है। लो जो होता है वो आमतौर पे जोहर से असर और ये टाइम जो होता है ना इसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन बात सिंपल सी मैं समझता हूँ कि बड़ी जरूरी भी है कि लोगों को एज्यूम नहीं कर लेनी चाहिए कोई भी चीज कि मुझे लो हो गया, मुझे बढ़ गया। और हम देखते हैं अक्सर टाइम पे देखते हैं कि पेशेंट आके बता रहे होते हैं जी वो हमारा सर दर्द शुरू हो गया था तो हमने पानी डाल के कोई कोल्ड ड्रिंक्स में पिया तो ब्लड प्रेशर, हालांकि वो गलत है बिल्कुल। हाँ, टोटली वो ज्यादा कर देता है ये। अच्छा। एज्यूम बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ गया या कम हो गया, वो डॉक्टर के पास जाए। मतलब खुद से जो तशखीस करके हम लोग दवाइयाँ या टोटके करना शुरू कर देते हैं, बहुत नुकसानदेह है। अभी अभी मेरे पास पेशेंट आई है, उसकी ब्लड प्रेशर जो था वो कहती जी मेरा बढ़ गया था तो मैंने कम हुआ था और मैंने नमक डाल के पानी में वो पीना शुरू कर दिया, तो वो चेक नहीं किया था उसने और जब हमने देखा तो वो ब्लड प्रेशर काफ़ी शूट किया हुआ था। आपको मालूम है कि नमक का इस्तेमाल जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ठीक है ना जी। और इसी तरह हम लोग जो खाने पीने की जो तब्दीली होती है रमज़ान में वो पेशेंट को ज़रूर बताते हैं, ख़ास तौर पे अफ्तारी के टाइम पे। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो नमक वाली जो अशिया हैं, पकौड़े, समोसे वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है वो कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अच्छा, असल में ब्लड प्रेशर शुगर और जो डिसलिपिडीमिया होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा होता है और हार्ट की बीमारियां, ये चारों मिलती जुलती हैं, इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ इनका तल्लुक। बिल्कुल। तो हम एक चीज कम करेंगे तो दूसरों को भी इसका फायदा होता है। अब देखें ना, ब्लड प्रेशर में रिस्क फैक्टर क्या है, उसमें सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर में वो डायबिटीज है, उसके बाद लिपिड्स लेवल जो है वो आ जाता है, तीसरा लाइफस्टाइल जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज्यादा आप हरकत नहीं करते, बैठे रहते हैं, ये रमजान में थोड़ा सा लाइफस्टाइल जरा हल्का सा हो जाता है, कम हो जाता है, इसमें एक्सरसाइज जरा कम हो जाती है। उसके बाद जो स्मोकिंग है इसमें रिस्क फैक्टर है, ठीक है। स्मोकिंग के बाद जो मैं समझता हूँ कि जो लोग अनफॉर्चुनेटली हमारे जो शराब नोशी करते हैं, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हमारा ब्लड प्रेशर के लिए। तो इन तमाम चीज़ों से एक तो कुदरती तौर पे रमजान में और जैसे डॉक्टर साहब अभी मैं जो फिगर्स बता रही थी, सर्वे जो है, और 50 साल के उम्र से ज़ायद जो लोग हैं, 1/3 अफराद जो है यहाँ पे पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर का शिकार है। तो यही सारी वजूहत आपको लगती है? बिल्कुल यही वजूहत हैं, और बल्कि 50 आपने जिक्र किया, मैं तो कहूँगा 40 साल से ऊपर जो लोग हैं वो 1/3 जो हैं वो ब्लड प्रेशर में मुबतला है। अच्छा, इन जो 1/3 पॉपुलेशन है जो कि हाइपरटेंसिव है, जी। इसमें 10 to 12% ऐसे हैं जो कि कंट्रोल्ड हैं, बाकी सारे ही अनकंट्रोल्ड हैं। अच्छा, ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर होना और उससे जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, दिल के ऊपर होता है, फालिज का खतरा होता है, और उसमें जनाब आपकी आंखों के ऊपर, गुर्दे के ऊपर असरात होते हैं। अच्छा, अभी गुर्दा जो है उसमें देखना यह है कि बाज़ दफ़ा गुर्दे की प्रॉब्लम की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे के ऊपर असरात होते हैं। तो इसमें दोनों पॉसिबल हैं, दोनों मकसद इफेक्ट एक दूसरे को कर रहे होते हैं। ये चीज़ें हमें देखनी बड़ी ज़रूरी है। रमज़ान में ख़ास तौर पे नमक का इस्तेमाल ज़रा कम करें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रमज़ान में आपको पता है डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है, तो पानी की कमी जो है वो गुर्दे के ऊपर बड़ी नुकसानदेह होती है। और हम लोगों को जो अफ्तारी के टाइम पे मैं अक्सर बात करता हूँ कि फिजी ड्रिंक से बचें, क्योंकि ये जो फिजी ड्रिंक्स हैं ये भी डिहाइड्रेशन पैदा करती हैं और डिहाइड्रेशन पे गुर्दे को नुकसान करता है। इसका मतलब जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है, और ये कितना खतरनाक है, लोगों को इसके बारे में अभी तक इल्म नहीं है। मैं समझता हूँ कि जी बहुत सारे लोगों को अभी अनडायग्नोज्ड हाइपरटेंशन, लोग कम चेक करवाते हैं। हमारे फैमिली फिजिशियंस को भी चाहिए कि इसको रेगुलर हर पेशेंट जो भी आता है अपने आपके पास, उसका ब्लड प्रेशर बड़ा ज़रूरी है, वो चेक करें। अच्छा, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए भी खास तौर पे हम मैं समझता हूँ कोई प्रोटोकॉल्स हैं, कोई SOPs हैं कि आपने किस तरीके से ब्लड प्रेशर चेक करना है। अच्छा, ये डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं आप जी, कि डॉक्टर्स ये किस तरह चेक कर सकते हैं? ये डॉक्टर्स जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनको तो पता है ना कि इसका तरीक़ेकार है, क्या पेशेंट आया है, फौरी तौर पे आप अगर ब्लड प्रेशर चेक करेंगे थोड़ा बढ़ जाता है, बड़ा होता है, उसमें 5 मिनट तक बैठाएं क्लिनिक में, काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट में बैठाएं, और उसके बाद उसका बीपी जो है वो सिटिंग हालत में चेक करें। तो कई कंडीशंस है ना, सिटिंग में और बाज़ दफ़ा खड़े होकर अगर ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो उसमें फ़र्क आता है। अच्छा, लेट के ब्लड प्रेशर चेक करेंगे वो फ़र्क आता है। स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो सिटिंग की हम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सिटिंग हालत में उसका करते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड बन गया हुआ है कि वो हम जो है उसका हमने चेक करना है। तो आमतौर पे पेशेंट पैनिक हो जाते हैं कि डॉक्टर को देख के, इसको हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं, कि डॉक्टर को देख के उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कई पेशेंट मेरे पास हैं, यकीन करें कि मेडिसिन दे के हम थक जाते हैं, बाद में पता चलता है वो उनकी बेगम बताती है कि जी डॉक्टर साहब जब आपके पास आने लगते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो वाकई उसके लिए भी तरीकेकार है, ठीक है। उसके लिए एक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती है, 24 आवर की मशीन हम लगा देते हैं, ठीक है। तो वो 24 आवर घर में मॉनिटरिंग जो है वो होती रहती है, तो उससे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर जो है क्या सूरत हाल रहती है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ होती है लेबाइल हाइपरटेंशन हम कहते हैं, कि सडनली ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर चले जाता है फिर नीचे चले जाता है, यह ज़्यादा खतरनाक होता है। इसकी भी कोई ना कोई रीज़न जो है वो मालूम करनी ज़रूरी होती है कि किस वजह से हो रहा है। देखिए, प्राइमरी हाइपरटेंशन है जिसकी कि कोई एटियोलॉजी नहीं है, जो कि आमतौर पे ज़्यादातर है, 80% to 90% लोगों को प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ये है कि ड्यू टू सर्टन डिजीजेज जो है वो ब्लड प्रेशर हो रहा है। मसलन किसी का फियोक्रोमोसाइटोमा एक कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर सडन एपिसोडिक ब्लड प्रेशर होता है, सडनली बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट कोलैप्स में भी जाता है, उसकी स्वेटिंग हो जाती है, बड़ी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह गुर्दे की कोई प्रॉब्लम है, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर लिपिड्स डिस्टर्ब हैं, कोलेस्ट्रोल का कोई प्रॉब्लम है, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सेकेंडरी जो फैक्टर्स हैं वो हमें देखने बहुत ज़रूरी हैं इलाज में। लेकिन ये इलाज जो है वो अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम जो है, अकॉर्डिंग टू द डिजीज। लेकिन दूसरा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगी कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि अगर हमें हो रहा है ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा है या अलामात आ रही है, तब ताकि हमें पता चल जाए कि ये हाई की अलामात और ये लो की अलामात है। बड़ा अहम क्वेश्चन आपने किया है मुनीबा। बात यह है कि जो स्पेसिफिक सिम्टम्स जो है ना ब्लड प्रेशर की वो कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, ये एक बड़ी अजीब सी बात है। इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं कि स्पेसिफिक सिम्टम्स जो है वो कोई नहीं है। ठीक है, अलबत्ता बाज लोगों को अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो उसके चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, सर दर्द हो सकता है। सर दर्द अभी ऐसी चीज है वो जो मिथ है लोगों में, वो हर सर दर्द के मरीज जो कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हालांकि वो नहीं है। ब्लड प्रेशर की बहुत सारी वजूहात है। ठीक, तो ये मिथ जो है ये खत्म होनी चाहिए, ठीक है ना जी, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होने से भी सर दर्द हो सकता है और ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से भी सर दर्द हो सकता है। ओके, तो ये दोनों चीजें डिफरेंशिएट करना जो है वो डिफरेंशिएट सिर्फ चेक करने के बाद ही हो सकती हैं। ठीक, चेक भी जो है वो डॉक्टर प्रॉपर जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो करते हैं, वो ही करें, ताकि गलत रीडिंग भी है वो भी एक पैनिक पेशेंट में पैदा करती है। और हमने अक्सर देखे हैं कि वो इतने पैनिक होते हैं। एक पेशेंट को मैंने कहा घर जाके जरा अपना रेगुलर होम मॉनिटरिंग इसको कहते हैं, बीपी चेक करो, वो हर घंटे के बाद मेरे पास आया, डॉक्टर साहब अभी देखें, अभी बढ़ गया, अभी कम हो गया, ये वो। तो ये भी एक चीज़ होती है कि पेशेंट्स को आपने काउंसलिंग भी करनी है कि आपने जो ब्लड प्रेशर चेक करना है तो उसमें ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए ना, खुद वो कर रहे होते हैं तो कई फैक्टर्स होते हैं, सही नहीं होता, किसी वक्त ज़्यादा आ रहा है, बैटरी के साथ कर रहे हैं। आपको पता है आजकल जो डिजिटल चेकिंग सिस्टम है तो उसमें अगर बैटरी ठीक नहीं है तो वो कम या ज़्यादा हो सकता है। देखे ना जी, स्फिग्मो मैनोमीटर है जो सही, एनेरॉइड है, 2-3 किस्म के जो बीपी ऑपरेटर्स हैं। तो बात सिर्फ ये आ जाती है कि चेक करने वाला बंदा जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर हो। ठीक है, हम अपने जो भी आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपने किस तरह करना है। दूसरा, एंड पे डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम खुद एहतियाती तदाबीर किस तरह की अपना के या अपनी गजाई जो आदत है उनको चेंज करके इसको कंट्रोल में रख सकते हैं या सिर्फ दवाइयाँ ही हमें खानी पड़ेंगी। बात यह है जी कि सबसे पहला जो फैक्टर आ जाता है, ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर का जो फोर्स होती है, हार्ट की पंपिंग की फोर्स, वो आपकी वेसल्स पे जो जा रही होती है, अगर वेसल्स तंग हो रही हैं तो उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो चेक करना होता है। 120/80 नॉर्मल होता है, इससे कम होना चाहिए, नॉर्मल यही है। अगर ऊपर वाला सिस्टोलिक जिसको कहते हैं 120 से ज़्यादा है और जो डायस्टोलिक है वो अगर 80 से ज़्यादा है तो उसमें हम कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है। फिर उसके बाद स्टेज 1 आ जाती है। स्टेज 1 क्या होती है कि 120 से लेके, मतलब ये हमारे अपने ही हाथ में है कि हमने इसको किस तरह कंट्रोल करना है, अपनी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनको चेंज करके, अपनी जो लाइफस्टाइल मोडिफिकेशन करके, तभी हम इसको काबू में कर सकते हैं। डॉक्टर अरशद हमायूं हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। ब्लड प्रेशर के हवाले से हम बात करें कि किस तरह हम उसको काबू में रख सकते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जो है इससे मिली होंगी। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट हमारा राह हक, जिसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से दरपेश मसाइल का हल ढूंढने की हम लोग कोशिश करते हैं और आलिम इस्लाम के जैदे उल्मा कराम हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होते हैं। कुरान करीम अल्लाह ताला की एक ऐसी किताब है जो किसी एक कौम, एक मजहब या किसी खास वक्त के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी लारेब और आफाकी किताब है जो आज से 1400 साल पहले नाजिल हुई, लेकिन आज के दौर में भी हमें हर मसले का हल पेश करती है। कुरान करीम नबी आखिरुल ज़मा पर नाजिल होने वाली वो किताब है जो रहती दुनिया तक के इंसानों को हर दौर में हर मसले का हल पेश करेगी। तो इस किताब का एक लफ्ज़ पढ़ने पर हमें 10 नेकियां मिलती हैं। कुरान करीम को कैसे, कब और कितना पढ़ना चाहिए, कुरान मजीद को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करने में क्या हिकमत है, इस पर आज हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रशीद साहब जो मजहबी स्कॉलर हैं। जी डॉक्टर साहब, बयान फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, अभी मैंने आपके सामने कुरान हकीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 177 की तिलावत की है। इससे पहले कि इस आय मुबारक पर हम तफसीलन गौर व फिक्र करें, मुनासिब महसूस होता है कि चंद तमहीदी बातें ज़रूर नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि यह आया मुबारक कुरान हकीम की तवील तरीन आयात में से एक है। आप में से बहुत से हजरात के इल्म में होगा कि कुरान की मुख्तसर तरीन सूरत कौन सी है। सूरतुल कौसर 3 आयात पर मुश्तमिल, सूरतुल असर भी 3 आयात पर मुश्तमिल है और कुरान की तवील तरीन सूरत है सूरतुल बकरा, 286 आयात 40 रुकूओं पर मुश्तमिल। उसी सूरह बकरा के अंदर यह आयत मुबारक मौजूद है, सूरह बकरा आयत नंबर 177। इसी सूरह मुबारक की वो आयत भी है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम आयात कुरानिया का सरदार करार दिया, जिसे हम आयतुल कुर्सी के नाम से जानते हैं। तो गोया कि उसी पस मंज़र में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये आयत जिसकी अभी मैंने आपके सामने तिलावत की है, मुमकिन है कि आपने महसूस किया हो कि शायद मैंने एक पूरी सूरत की तिलावत कर दी या कई आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, असलन ये एक आयत है। यह ज़रा हमें थोड़ा सा इस पर भी गौर करना चाहिए कि कुरान हकीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुआ था तो आयत और सूरतों की शक्ल में था। हुजूर इस दुनिया से जब तशरीफ़ ले गए, जब आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो जो कुरान मुंतकिल हुआ उम्मत की तरफ वो भी इन्हीं 2 चीज़ों पर मुश्तमिल था, आयात और सूरतें। उसके बाद फिर रुकूओं की तकसीम भी की गई, फिर पारों की तकसीम भी की गई, फिर मंजिलों की तकसीम भी की गई। इसमें असल हिकमत क्या पेश नज़र थी कि कुरान हकीम में वो आयात के जो इंसान एक रुकू में पढ़ सकता है तसलसल के साथ, सूरह बकरा 40 रुकू हैं, गोया कि वो वॉलीम के जो बहुत ही सहूलत के साथ एक रकत में पढ़ा जा सकता है, उसको गोया कि एक एतबार से रुकू की शक्ल दे दी गई। फिर यह कि जो शख्स भी कुरान हकीम को एक महीने में ख़त्म करना चाहे तो कुरान को 30 पारों में तकसीम कर दिया गया। फिर कुछ अल्लाह वाले वो भी होते हैं जिन्हें कुरान हकीम के साथ वो मोहब्बत और वो उसके साथ एक जज्बाती ताल्लुक़ होता है कि वो कुरान हकीम की तिलावत एक हफ़्ते में मुकम्मल करना चाहें, तो उनके लिए कुरान को 7 मंजिलों में तकसीम कर दिया गया। बड़ा खूबसूरत वाक़या है सीरत का। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए थे और उन्होंने हुजूर से पूछा था कि हुजूर मेरे पास वाफिर वक्त होता है, मैं कुरान हकीम की तिलावत करना चाहता हूँ, जितना मेरे पास फाजिल वक्त है, तो मैं कितना पढ़ा करूँ? तो हुजूर ने फरमाया एक महीने में कुरान ख़त्म कर लिया करो। उन्होंने कहा नहीं, इससे ज़ायद मेरे पास वक्त मौजूद है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, एक हफ्ते में कुरान की तकमील कर लिया करो। इस पर उन्होंने कहा नहीं, इससे भी वाफिल वक्त मेरे पास मौजूद है। तो हुजूर ने 3 दिनों की इजाज़त दी कि कुरान हकीम की तकमील 3 दिनों में कर लिया करो, इससे कम में नहीं। गोया कि इससे कम में अगर करोगे तो वो तेज़ी के साथ जब तुम पढ़ोगे तो उसमें मुमकिन है कि तलफ़ुज़ के अंदर भी और जो भी बहरहाल आदाब हैं कुरान हकीम को पढ़ने के, उसमें किसी दर्जे में कोई सुस्ती और कोताही का मामला हो। तो ये आय मुबारक कुरान हकीम की तवील तरीन आयात में से एक आयत है। दूसरी बात नोट कीजिए, अब इसका मैं तर्जुमा आपके सामने रखूँगा तो बात वाज़ेह होगी कि इस आयत के पस मंज़र में जो शान नुज़ूल जिसे हम कहते हैं कि आयत जब नाजिल हुई तो क्या हालात थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो आयत जो नाजिल हो रही हैं तो किस पस मंज़र में नाजिल हुई। तो इस सूरह मुबारक में ये आयत जो है, आय बिर जिसको मैं भी कह रहा हूँ, आयत नंबर 177, इसका पस मंज़र और शान नुज़ूल है असलन तहवील क़िबला का वाक़या। ये भी बहुत से हज़रात के शायद इल्म में ना हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमा कर आप मक्का से जब मदीना तशरीफ़ ले आए तो अब आपके लिए मुमकिन नहीं था कि जब तक अल्लाह का हुक्म नाजिल न हो आप अपने रुख को तब्दील कर लेते। होता क्या था कि जब तक हुजूर मक्के में मुक़ीम रहे तो आप एक अहतमाम फरमाया करते थे कि बैतुल्लाह के जुनूबी गोशे में खड़े होकर नमाज अदा करते थे। तो गोया कि आपके मुत्तसिलन सामने मौजूद है बैतुल्लाह और उसी सीध में आगे बैतुल मुक़द्दस भी मौजूद है। लेकिन जब हुजूर तशरीफ़ फरमा कर और आए हैं, हिज्जत फरमा कर मदीना पहुँच गए तो तकरीबन 16-17 महीने का वक्त जो है ये बड़ा दौरानिया होता है, इतना गुजरा है कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतज़िर रहे कि कब अल्लाह की तरफ से हुक्म आए और अपने चेहरे को बैतुल्लाह की तरफ कर लें। सूरह बकरा में असल में पस मंज़र में वही बात है, वही आयात है कि कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ बुलंद होना देखते रहे। हुजूर मुंतज़िर होते थे अल्लाह के हुक्म के कि अब अल्लाह का हुक्म आए और अपने चेहरे को बैतुल्लाह की तरफ कर लें। फिर फरमाया कि फ़वल्लि वजहक शत्र मस्जिदिल हराम, सच्चाई के ऊपर कारबंद रहे या नहीं रहे, या अपने इस दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो सब करते हैं वही सब कुछ तुमने भी किया। ये चीज़ें अगर बहस में नहीं है और उसमें सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि कोई शख्स सखी समझा जा रहा है तो अल्लाह ताला के यहाँ वो नेकी मकबूल नहीं है। और हदीस के आखिर में ये फरमाया गया अल्लाह ताला हुक्म देगा और फरिश्ते इन तीनों को औंधे मुँह घसीटते हुए जहन्नुम में डाल देंगे। अल्लाह ना करे कि किसी का मामला ऐसा हो, लेकिन ये वो शय है कि जिसने हमारे सामने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि नेकी के अमल में जब तक अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान और उससे आगे बढ़कर रिसालत पर, अंबिया और रसूल पर ईमान, जब तक ये चीज़ें उसकी बुनियाद में मौजूद नहीं होंगी वो अमल नेक नहीं कहलाएगा। अब देखिए आगे फरमाया गया व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील। अब यहाँ नेकी की बहस में नमाज का जिक्र नहीं है, हालांकि नमाज का जिक्र आएगा, वो आयत के आखिरी हिस्से में आएगा। गोया कि ये ईताए माल, खिदमत खल्क के जज्बे के तहत इंसान अपना माल, रुपया पैसा जो है इन्फाक करता है, खर्च करता है, सदका व खैरात करता है, ये नेकी के उस बहस में, उस मौजू के तहत ये अहम तर है। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया मन युहरमुर रिफ़क़ा फ़क़द हुरिमल ख़ैरा कुल्लू, जो शख्स भी दिल के गुदास से, दिल की नरमी से महरूम कर दिया गया वो शख्स तो हर नौ के खैर से महरूम कर दिया गया। तो मालूम हुआ कि अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, अंबिया और रसूल पर ईमान, उसके बाद मुक़द्दम तरीन शय क्या है कि रुपया पैसा जो इंसान की शख्सियत में सबसे बड़ी रुकावट बनता है, उसकी मोहब्बत दिल में इस तरह जागुजी ना हो कि इंसान की माश में, उसके रिस्क में, उसकी रोज़ी में हराम शामिल हो जाए। और जो हलाल ज़रिए से जो रुपया पैसा हासिल किया उसके लिए कुरान हकीम ने मदद का भी तयन कर दिया वातल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा, और उसने अपना रुपया पैसा और माल खर्च किया अला हुब्बिही, इसके बावजूद कि माल उसे बड़ा महबूब है। और इसका एक मफहूम यह भी है कि अल्लाह की मोहब्बत में कहाँ खर्च किया, ज़विल क़ुरबा सबसे पहले हकदार आपके क़राबतदार हैं। इस तरतीब को अगर जो कुरान हकीम की इस आयत में हमारे सामने रखी गई, अगर हम इसे अपने सामने ना रखें और इसको बाईपास करें कि हमारा सदका व खैरात जो है कहीं दूर पार मोहल्ले में जाकर जो है तकसीम हो रहा हो और अपने करीब में जो लोग मौजूद हैं, आपके पड़ोसी भी तो है ना, मुमकिन है किसी के घर जो है कई रोज़ से चूल्हा ही रोशन ना हुआ हो, मुमकिन है आपका एक भतीजा है जो यतीम हो गया, उसकी तालीम का मसला दरपेश है, अगर आप उसे हेल्प आउट करते हैं वो तालीम में आगे बढ़ सकता है, आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। तो गोया कि अपने करीब तरीन के हलके को अगर आप बाईपास करेंगे, उसे छोड़कर और जाकर अपना सदका और खैरात तकसीम करते हैं कहीं दूर पार के महल्ले में, तो ये वो तरतीब नहीं है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी। अल अक़रब फल अक़रब, हुज़ूर ने फरमाया जो तुमसे जितना ज़्यादा करीब है उतना ही बढ़कर तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे ईसार, तुम्हारी कुर्बानी, सदका व खैरात का उतना ही बढ़कर जो है वो ज़्यादा मुस्तहिक़ है। तो आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा, कराबतदारों पर खर्च किया, वल यतामा, यतीमों पर खर्च किया, और अगर कराबतदार यतीम भी हो तो उसके लिए तो दोहरे अजर की खुशखबरी सुनाई हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कराबतदार जो यतीम भी है, गोया कि आपने दो मदात उसकी पूरी कर दी, जो कराबतदार भी है और यतीम भी है। वल मसाकीन, और मिस्कीन जो दुनिया ज़िंदगी की दौड़ में कहीं पीछे रह गए, वब्न सबील, और राह चलते मुसाफिर, वसाइरीन वफिर रिकाब, और दस्ते सवाल दराज करने वाले, और ख़ास तौर पर गर्दनों के छुड़ाने। ये जितनी मद्दात यहाँ बयान की गई हैं इस तरतीब से रहनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जिन्हें दिया है, जिनके पास रुपया पैसा है, मालो दौलत है, सरमायादार हैं, अब उनके माल में भी अल्लाह ने हक़ रख दिया ना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल मौजूद है, वफ़ी अमवालिका हक़्क़ुम सिवा ज़कात, तुम्हारे माल में अल्लाह ताला ने ज़कात के अलावा भी हक़ रखा है। ये ना समझना कि ज़कात अदा करने के बाद ठीक है तुम्हारा माल पाक साफ़ हो गया, जो भी सही निसाब का है उसके मुताबिक ज़कात अदा करो, लेकिन ये ना समझना कि ज़कात अदा करने के बाद अब तुम्हारे अमवाल में किसी का कोई हक़ बाकी नहीं रहा। ये वो असल में है पूरा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया था कि क्या ज़कात अदा करने के बाद भी हमारे माल के अंदर किसी का कोई हक़ बाकी है, तो हुजूर ने इसी आय मुबारक की तिलावत फरमाई थी जहाँ ज़कात का अलग से जिक्र मौजूद है, व अक़ामस्सलात व आत ज़कात, इस आयत के आखिरी हिस्से में। लेकिन उससे पहले जो है ये फरमाया गया, व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइलीन वफ़िर रिक़ाब। अब दस्ते सवाल दराज करने वाले एक प्रोफेशनल बैगर्स भी होते हैं। आपने कहीं गाड़ी खड़ी की है रेड लाइट के ऊपर और आपके ऊपर धावा बोल दिया, दाई खिड़की से भी बाई खिड़की से भी। अब उनके साथ भी हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, सख्ती और दुरुस्ती से काम ना लो, उनको डांटो ना, उन्हें बुरा भला ना कहो, अच्छे अंदाज में उनसे माजरत कर लो। इसलिए कि ज़्यादा इम्कान ये है कि तमाम लोग वो हैं जो प्रोफेशनल हैं, उनके गोया के प्रोफेशन बन चुका है ये बैगरी। और कितनी ही मिसालें आपके सामने होंगे कि किसी ऐसे शख्स का इंतकाल हो गया तो मालूम हुआ कि उसका तो पूरे बैंक अकाउंट खुले हुए थे और उसमें लाखों रुपया जमा है, हालांकि वो कोई ढोंग रचा कर अपने जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ रंग जो है वो डालकर गोया कि मैं कोई लूला लंगड़ा हूँ या इस किस्म का जो है वो लोगों के सामने एक ज़ाहिरा हुलिया बनाकर, और वो कितने पैसे उसने कमा लिए। लेकिन यह कि जिस शख्स की आप तहकीक कर लें कि वाक़ियतन ये ज़रूरतमंद है कि वो इलाज मुआलजे के ज़िम्मन में उसे कोई रुपया पैसा चाहिए, तो उसका गोया कि आपके माल के अंदर एक हक़ है। आप तहकीक और तफ्तीश करने के बाद उस हक़ को उस तक पहुँचाइए और अल्लाह से दुआ कीजिए, परवरदिगार मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे ज़रिया बनाया अपने इस मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरा करने के लिए। तो वस्साइरीन, दस्ते सवाल दराज करने वाले, वफ़िर रिक़ाब, और ख़ास तौर पर गर्दनों के छुड़ाने में। जब ये आयात नाजिल हो रही थी तो बैगरी हमारे यहाँ तो एक प्रोफेशन बन चुका है, लेकिन कि उस ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते सवाल दराज करने वालों की सख्ती के साथ, गोया कि कोई शख्स अपनी इज्जत नफ्स का ढेला करके अपने हाथ पर रखकर आपके सामने सवाल कर रहा है, असलन ज़रूरतमंद है तो आप तहकीक कीजिए, उसकी मदद कीजिए। लेकिन यह कि हुजूर ने साथ ही इसको बिल्कुल बैलेंस कर दिया। अब ये वो तवाज़ुन है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपको नज़र आ रहा है। हुजूर ने फरमाया अगर कोई तुम्हारे सामने दस्ते सवाल दराज कर ही दे तो तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता कि तुम उसे झिड़को और उसे रद्द कर दो। अल्लाह ने तौफीक दी है तो कुछ दे दो, वरना यह कि अच्छे अल्फाज में उसके साथ माजरत कर लो। और वफ़िर रिक़ाब, उस ज़माने में चूँकि ग़ुलामी का एक पूरा इंस्टीट्यूट मौजूद था, लिहाजा किसी ग़ुलाम को ख़रीद कर आज़ाद करना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सरमाए का बड़ा हिस्सा, वो ग़ुलाम जो मुसलमान हो चुके थे, उन्हें अपना सरमाया। ठीक है जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जागो लाहौर की रमज़ान नशरियात में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, माह रमज़ान अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ इस वक्त जारी और सारी है और माह मुकद्दस की बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने के लिए हमें अपनी डेली रूटीन में चंद बुनियादी तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। रोज़ों के दौरान मुसलमान सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब के दरमियान खाने पीने से परहेज़ करते हुए ना सिर्फ अपने जिस्म को फालतू मादों और चर्बी वगैरह से पाक करते हैं बल्कि ज़्यादातर वक्त जो है अपना इबादत में सर्फ करके अपनी रूह की ग़िज़ा का भी बंदोबस्त कर रहे होते हैं। और ऐसे में हम रोज़ादारों को वर्जिश के लिए वक्त निकालना यकीनन मुश्किल लगता है और अक्सर लोग इतनी एनर्जी भी महसूस नहीं कर रहे होते हैं कि वो इस महीने के दौरान एक्सरसाइज का सोच भी सकें या जिम भी जा सके। तो माह रमज़ान के दौरान जिस तरह हम अपने खाने पीने और दीगर सरगर्मियों में ज़रूरी तब्दीली लाते हैं, इसी तरह हमें अपने वर्कआउट और फिटनेस प्लान भी रिव्यू करने की ज़रूरत होती है। तो माह रमज़ान में वर्कआउट और फिटनेस प्लान कैसा होना चाहिए, ये जानने के लिए आज हमने मधु कर रखा है। फिटनेस एक्सपर्ट हैं, अली रज़ा भट्ट हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज उनसे पूछते हैं कि जनाब हमारा रमज़ान में किस तरह का फिटनेस प्लान होना चाहिए। अली, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। रमज़ान कैसा गुजरा आपका? जबरदस्त, रोजे भी रखे जा रहे हैं। अच्छा। फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ भी बहुत ज्यादा ख्याल है। हाँ। लोग बहुत से इंटरेस्टेड हो गए हैं अब क्योंकि ईद भी आ रही है तो लोग चाहते हैं कि वो जल्दी से अपना फैट बर्न करें। हाँ। और फिट हो जाएं। और रमज़ान में क्योंकि आपके पास ये एक शॉर्ट पीरियड होता है फास्टिंग का, तो हाँ। इस दौरान आप अच्छे गोल अचीव कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो इसमें बड़ा हर कोई कर रहा होता है, तगोदो में लगा होता है कि हम लोग ये चीज़ें कर सके। दूसरा ये मुझे बताइए कि कितना ज़रूरी है कि हमने ये जो प्लान, जैसे मैं बताई थी कि कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ तो हमारे रूटीन में आती हैं, लेकिन एक्सरसाइज के हवाले से तब्दीली लाना कितना ज़रूरी होता है ख़ासतौर पर रमज़ान में? रमज़ान में बेसिकली हम लोग फास्टिंग पे होते हैं, तो फास्टिंग में मैं सबसे पहले लोगों को, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा भी एक्सरसाइज करते हुए और करवाते भी हैं। हाँ। तो उसमें मेन चीज़ होती है कि डिपेंड्स ऑन योर स्टेमिना फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपका सबसे पहले स्टेमिना। अगर कुछ लोग करते हैं हाई इंटेंस ट्रेनिंग तो उनको हम सजेस्ट करते हैं इफ्तार के बाद। वैसे फैट बर्न के लिए सबसे बेस्ट है आप फास्टिंग के अंदर एक्सरसाइज करें। अच्छा। इफ्तार से पहले 1.5 घंटा। इसमें आपका फैट बर्न और कैलोरी बर्न रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फास्टिंग के बाद, क्योंकि जब आप फास्टिंग कर लेते हैं, फास्टिंग करने के बाद क्योंकि आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट होने पे हाफ एन आवर 1 आवर ले जाता है, तो इस वजह से हम नेक्स्ट मील का वेट करते हैं और फिर हम कहते हैं थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। हाँ। फास्ट आपको पता है जब रोज़ा इफ्तार होने वाला है तो उसके अंदर जो आपका बॉडी है वो कैटाबॉलिक स्टेट पे होता है। कैटाबॉलिक स्टेट पे क्या है कि आपका बॉडी सुबह से रात तक भूखा है। हाँ। उसके अंदर आपकी मोर कैलोरीज बर्न करने की कैपेसिटी मौजूद है। जो आपका स्टोर्ड फैट है वो ज्यादा बर्न होगा एज कम्पेयर टू कि आप जब कैलोरी इनटेक करेंगे। हाँ। वो कैलोरी वो जो इनटेक होगी आप वही बर्न आउट कर रहे हैं, तो जब आप इनटेक ही नहीं कर रहे तो आप बर्न आउट वो करेंगे जो स्टोर्ड कैलोरीज होंगी। लेकिन यहाँ पे बड़े बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि इफ्तारी से पहले करेंगे तो हम बेहोश हो जाएंगे। जिस तरह की वो थकावट और एनर्जी लो हुई होती है ना हमारी इफ्तारी से पहले की वाली हालत, तो बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे। जब फर्स्ट रमजान आता है ना तो अक्सर लोगों के माइंड में होता है कि जो इंटेंस ट्रेनिंग हम रमजान से पहले कर रहे हैं ना हम वैसे ही रमजान में करें। तो मैं उन लोगों को प्रेफर ये करूंगा जो लोग इफ्तार से पहले करना चाहते हैं। अच्छा। सबसे पहले तो आपकी मर्जी आती है कि आप करना चाहते हैं, करना है कि नहीं करना भाई। तो उसमें जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इफ्तार से पहले करना है, तो इफ्तार में आपने 1.5 घंटा पहले वर्कआउट अटेम्प्ट करना है। उसमें आपने जो पहले 3, 4, 5 दिन है या 1 वीक है उसको आपने पहले वॉक पे लेके आना है, फिर आपने कार्डियो पे लेकर जाना है। मतलब डायरेक्ट इंटेंसिटी जो है उसकी नहीं बढ़ानी है। यस, डायरेक्ट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे क्योंकि बॉडी एकदम आदी नहीं होती। हाँ। फास्टिंग की आप लोग हर 2-2.5 घंटे के बाद प्रोटीन इनटेक कर रहे होते हैं। हाँ। तो जब रमजान आता है तो आप इस तरह से इनटेक नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ आपका जो बॉडी है उसको वाटर बहुत ज्यादा चाहिए होता है और उसको बहुत ज्यादा मिनरल चाहिए होते हैं। तो हम लोगों ने सब चीजें तो ऑब्वियसली की होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। एक तो हमारी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है ये रूहानी ग़िज़ा कि आप लोगों की अंदर हमारी रिपेयरिंग चल रही होती है। दूसरी मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को चाहिए कि आप फास्टिंग से पहले वर्कआउट करें ताकि आपका जो स्टोर्ड फैट और फासिद मादे बॉडी से वो निकल सके, क्योंकि स्टोर्ड फैट कभी भी इनटेक कैलोरीज के साथ नहीं निकल सकता। अच्छा, लेकिन फिर डाइट प्लान किस तरह का होना चाहिए? अगर ये इस तरह की हमने करनी है, फिर ये वर्कआउट करने के बाद जो हम इफ्तारी में खा रहे हैं, हम तली हुई चीज़ें भी खा रहे हैं, हम मुख्तलिफ हमारे दस्तरखान पर चीज़ें पड़ी होती है, फिर हम वो सारा कुछ खा सकते हैं क्या? इफ्तारी में हमारे यहाँ एक ट्रेंड है तली हुई चीज़ें खाने का, दूध सोडा पीने का, और सोडा लाइक कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो तो उसको मैं प्रेफर नहीं करता। उसमें जो भी इफ्तारी है सबसे पहले मैं ये कहूँगा सुन्नत रसूल के मुताबिक होनी चाहिए, उससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है। हम फिटनेस या जो भी बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, अगर हम इसको अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपेयर करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही है। हम लोग लाइट इफ्तारी करें, लाइट इफ्तारी के बाद कुछ स्टे करें, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद अपना एक शॉर्ट मील लें, शॉर्ट मील नॉट लॉट्स ऑफ मील। लॉट्स ऑफ मील में जो पकौड़े हैं, समोसे हैं, लोग अक्सर वो देखते हैं और देख के टूट पड़ते हैं और उसके बाद वो कहते हैं यार कि ना मगरिब की नमाज पढ़नी है लेकिन जगह नहीं बन रही, कैसे उठ के पड़े, सजदे में जाएंगे तो सारा कुछ बाहर आ जाएगा। तो उसके अंदर है कि आपको बॉडी के हिसाब से हाफ एन आवर के बाद मील लेना है, और जैसे ही आप प्रोटीन इनटेक पे आना चाह रहे हैं, वर्कआउट करना चाह रहे हैं, तो जो लोग इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं लाइक बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको चाहिए कि वो तरावियों के बाद एक्सरसाइज करें। अच्छा, तरावियों के बाद जो होता है टाइम, क्योंकि आपकी बॉडी मील डाइजेस्ट भी कर चुकी होती है, कैलोरीज बॉडी तक एनर्जी पहुंचा चुकी होती है, देन आप वर्कआउट के लिए रेडी होते हैं। तो ये अपनी मर्जी है कि आपने इफ्तारी से पहले करना है या इफ्तारी के बाद करना है। तो इफ्तारी के बाद अगर करना है तो वो तरावियों के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फैट बर्न करना है तो आप पहले अटेम्प्ट करें, पहले इफ्तार से पहले अटेम्प्ट करें, 1.5 घंटा पहले। फास्टिंग में बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में होगी और कैलोरीज बर्न ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू आप 300 कैलोरीज फॉर एग्जाम्पल अगर आप इफ्तार के बाद बर्न करते हैं तो वही कैलोरीज अगर आप स्टार्टिंग में बर्न करेंगे तो 400 कैलोरीज होंगी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कोई कैलोरी इनटेक वाला सिस्टम नहीं होता। तो जो हमारे स्टोर हुआ होता है फैट हम उसको ही बर्न कर रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये बताया कि कितनी देर पर हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक तो जब इफ्तार से पहले कर रहे हो, इफ्तार के बाद वाली क्या टाइमिंग होनी चाहिए? अगर आप बिगनर हैं, कुछ लोग जब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं रमजान से पहले, कुछ लोग रमजान में ही स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग रमजान से पहले स्टार्ट करते हैं, और उसमें 1 वीक जो मैंने बताया लाइट ट्रेनिंग, क्योंकि आपकी बॉडी आधी हो जाए, जैसे आपकी बॉडी आधी हो जाएगी आपने उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है एरोबिक्स। एरोबिक्स के बाद आप लेके जा सकते हैं क्रॉसफिट पे, इंटेंस ट्रेनिंग पे, बट आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप बॉडी। सारा कुछ हमने सिखाया हुआ है अपने नाज़रीन को। सारा कुछ सिखाया हुआ हमने, प्लायोमेट्रिक, क्रॉसफिट ट्रेनिंग, हर चीज हम लोगों ने हर केक का सेगमेंट रिकॉर्ड किया हुआ है। और ये आप लोगों को बड़े बेनिफिट भी मिलेगा इससे कि आप लोग किस तरह वो कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं वो पूछना चाह रही हूँ कितना टाइम देना है हमने एक्सरसाइज? टाइम हमें 45 मिनट्स तक मिनिमम और 1 आवर तक मैक्सिमम। 45 मिनट्स तक मिनिमम के आप उसमें कार्डियो ऐड कर लें, 30 मिनट्स का कि आप वॉक कर लें, वॉक से आपकी मैक्सिमम 250-300 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। और इसी तरह फिर आप और ज़्यादा अगर इंटेंस करना चाहें, थोड़ी बहुत एरोबिक्स ऐड करना चाहें, या आप कुछ लोग उसको कहते हैं हम लोग साइकिलिंग कर लें, हम लोग स्टेयर्स कर लें, तो उससे भी आपकी कैलोरीज बर्न होगी, लेकिन 500-600 कैलोरी से ज़्यादा बर्न ना करें। क्योंकि आपका रमज़ान में 2 मील मेन होते हैं, एक इफ्तार के बाद का और एक सहर वाला। जो लोग, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग सहर से पहले एक्सरसाइज करते हैं उनको मैं कहूँगा एक्सरसाइज उस वक्त ना करें, थोड़ा सा उससे पहले करें। जिस तरह हम तरावी के बाद करते हैं एक्सरसाइज, तो उसके अंदर हमारे पास एक 11-12 बजे का टाइम होता है, उसमें एक्सरसाइज कर लें। कुछ लोग बिल्कुल एंड पे एक्सरसाइज करते हैं कि यहाँ से एक्सरसाइज की और यहाँ से हमने मील ले लिया सहर का, तो उसमें ये होता है कि बॉडी आपकी लास्ट मील डाइजेस्ट करती है और उसके बाद वाटर इनटेक के लिए फिर नीडी हो जाती है, और फिर आप लोग उसको पानी नहीं देते तो फिर आपको मसले मसाइल पैदा होते हैं। और सबसे ज़्यादा इशू जो रमज़ान में होता है वो ज़्यादातर लोगों को होता है कि लिवर में अल्सर्स हो गए हैं और उसके साथ डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्किन इशूज़ होने लग जाते हैं। तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा, अच्छा मील लें, लाइट मील लें और कोल्ड ड्रिंक्स से दूर रहें। ये बहुत शॉर्ट चीज़ है। कितना ज़्यादा करें पानी का इनटेक? आप सहर के टाइम लॉट्स ऑफ कर सकते हैं, लेकिन दही का इस्तेमाल ज्यादा करें। सहर के टाइम, इफ्तार के टाइम कोई भी जूस हो, जूस लाइक आप स्ट्रॉबेरी जूस होता है या कोई भी डिहाइड्रेशन कम करने के लिए हम जूस यूज करते हैं, उसमें हाफ जूस हाफ वाटर ऐड कर लें, और लस्सी वगैरह से इस तरह की। जो लोग फैट बर्न पे फैट बर्न के लिए जो लोग अपना कम करना चाह रहे हैं उनको ये खाने से दूर रहना है, और जो है आप हाफ जूस हाफ वाटर डिटॉक्स वाटर तैयार कर सकते हैं, मिंट मार्गरेटा तैयार कर सकते हैं जिसमें आप मिंट ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी बॉडी को एक अच्छा बैकअप भी दे देती हैं। और लेमन वाटर तैयार कर सकते हैं, एक होती है हमारे यहाँ सिकंजवी, एक होता है लेमन वाटर। अक्सर लोगों को इसमें क्लैश आता है, ये चक्कर क्या है? इसमें होता है नो शुगर नो नमक। नो नमक, हाँ, जो हम नमक और जो चीनी मिला के हम शिकंजवी पी रहे होते हैं। बिल्कुल, उसमें जो मेन इशू होता है जो सॉल्ट होता है ना, सोडियम क्लोराइड, ये आपकी बॉडी में फैट बढ़ाता नहीं है लेकिन बढ़ाने में हेल्प आउट करता है 100% तक। क्योंकि बॉडी में जो स्टोर्ड वाटर होता है वो सारा नमक की बेस पे होता है, और नमक हमने लॉक करना होता है, शुगर लॉक करनी होती है, जिसकी वजह से हमारा फैट नीचे जाएगा। और जो आप बिकॉज ऑफ आपको सिट्रस चाहिए होता है, आप चाह रहे होते हैं कि इफ्तार के बाद हम एकदम एक्टिव फील करें, तो लेमन वाटर इज एवर बेस्ट। ठीक है, सिर्फ उसमें पानी और जो लेमन होना चाहिए, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं ऐड ऑन करनी चाहिए, वरना वो आपके लिए ख़राब हो सकती है। दूसरा, जैसे अली आपने बात की है कि वॉक से हम स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत से लोग अब कह रहे होंगे कि घर में हम लोग काम काज भी कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे के चक्कर भी लग रहे होते हैं, तो वो हमारी वॉक हो जाती है, क्या वो कंसिडर कर सकते हैं हम वॉक को? उसमें मैं एक बात करूँगा, हमारे यहाँ एक लेडीज़ का तबका है जो सुबह से शाम तक काम करता है, बच्चों के साथ सैर सपाई करते हैं, और उसके बाद फिर वो कहते हैं हम जिम भी आएंगे। तो अगर आपने फिटनेस में रहना है और अपने आप को एक फिटनेस फ्रीक की तरह रखना है, मेंटेन रखना है, तो अपने लिए 30 मिनट्स या 45 मिनट्स जरूर निकालें। ठीक है, या कुछ भी नहीं हो सकता तो 25 मिनट्स या 40 मिनट्स। कुछ भी नहीं होता, आप सारी जिंदगी में इधर उधर के लिए दौड़ते हैं लेकिन अपने लिए नहीं करते, तो अपने लिए 15-20 मिनट में, हर वीडियो में भी लास्ट टाइम कहता हूँ, 15-20 मिनट अपने लिए जरूर निकाला करें, क्योंकि ये आपको एट द एंड ऑफ द डे बहुत फायदा देते हैं। अब आप हॉस्पिटल्स देखें, आप जगह जगह देखें कि गैस्ट्रो के कितने इश्यूज हो गए हैं, किडनीज के कितने इश्यूज हो गए हैं, लोगों को ये आइडिया नहीं है कि हम एक मील ले रहे हैं, इसके साथ वाटर कितना इनटेक करना है, हमें इतना वर्कआउट करना है तो उसके साथ कितना वाटर इनटेक करना है। और 90% हमारे पास जो लोग हैं वो पानी को ध्यान ही नहीं देते, और पानी इज द मेन, आपकी 70% आपकी पानी, बॉडी को पानी ही नीडेड होता है। तो पानी की इनटेक मैक्सिमम रखें रमज़ान में, और में जो आपके डिटॉक्स वाटर है, डिटॉक्स वाटर और वॉक जो है, आपने ब्रिस्क वॉक करनी है, ये नहीं कि घर के कामकाज कर लिए हैं तो उसको आप कंसिडर कर लिए कि हमने ये एक्सरसाइज कर ली है, हमने वॉक कर ली है। दूसरा मुझे बताइए कि जैसे आप कह रहे थे कि ईद आने वाली होती है तो लोग इसी महीने में ज़्यादातर कहते हैं कि हमारा वजन कम हो जाए, बहुत कीटो डाइट्स भी शुरू हो रही होती हैं, बाकी सारी चीज़ें वजन कम करने के लिए हो रही होती हैं, तो फिर हम वजन कम करना है हमने, तो हमें एक तो एक्सरसाइज करनी है, तो किस तरह प्लान किस तरह करना है कि हमारा मील कितना होना चाहिए, क्वान्टिटी कितनी होनी चाहिए, क्या क्या हमने सहरी में खाना है और क्या तारी में खाना है? फॉर एग्जाम्पल, अब आपकी पहले हम सहरी से शुरू करते हैं। सहरी में मेन चीज होती है पानी की कमी को दूर करना। उसमें मैं एक सजेशन देता हूँ, या आप स्मूदीज तैयार कर लें, ओके। सेकंड, आप दही तैयार कर लें, दही घर का, नॉट बाय, या ग्रीक योगर्ट कर लें, क्योंकि फैट बर्न के लिए हम लोग ज्यादातर ये यूज करते हैं। थर्ड वन इज, ये कुछ लोग प्रोटीन शेक्स यूज़ करते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये शेक साइड होगी कि आपका वाटर इनटेक जो बैकअप है वो होगा। जो मील है उसमें आपकी प्रोटीन एग की फॉर्म में लाजमी होनी चाहिए। लेकिन अली आपने शेक की बात की है, शेक कैलोरीज बढ़ाएंगे नहीं? शेक हमारे यहाँ अब वो भी आते हैं जिनमें कैलोरीज कम होती हैं, अच्छा। और शुगर भी कम होती है, और वो आपका एक प्रॉपर मील प्रोटीन पर्पस से 24 ग्राम 25 ग्राम प्रोटीन आपको देता है। तो ये हम लोग, क्योंकि हमारी बॉडी प्रोटीन पे चलती है, तो हम प्रोटीन पर्पस से हम लोग इसको देते हैं। अच्छा। तो इसमें कुछ लोग जो गेन कर रहे होते हैं उनका ये इशू होता है कि उनको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए, तो हम उनको वो सजेस्ट करते हैं जिनमें कैलोरीज ज़्यादा हैं। और ये घर पे भी, वैसे अगर आप तैयार करना चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन इनटेक फिर उस तरह की नहीं रहती, वो ऑलमोस्ट 10-20 ग्राम्स का तैयार होता है। 25 to 30 ग्राम्स का तैयार करना तो फिर आपको मेडिकेटेड लेना पड़ता है। इसमें जो आपका नेक्स्ट था, हम लोग खाना फर्स्ट में जो है दही इनटेक करेंगे, सेकेंड में हम लोग प्रोटीन इनटेक में या एग वाइट्स रख सकते हैं। अच्छा। एग वाइट्स में कोशिश करें कि जर्दी जो यॉक होती है वो एक ही हो, क्योंकि जर्दी पीने के साथ, जर्दी खाने के साथ आपको पानी बहुत पीना पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्टली विटामिन B6, B12 तो उसमें होता है, हम वो एक पर्पस से उसको हाई प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं, बट उसके साथ आपको पानी इंटेक ज्यादा करना पड़ता है। अच्छा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक जर्दी कर लें, 2 एग वाइट्स कर लें, 3 एग वाइट्स कर लें, जो नॉर्मल प्रोटीन है 30 मिनट्स में बॉडी में डाइजेस्ट भी होती है और ईजिली बॉडी को हैंडल भी कर लेती है। देन हम लोग उस मील के साथ पीनट बटर ऐड कर सकते हैं। पीनट बटर का एक ब्रेड स्लाइस जो हम लोग ब्राउन ब्रेड पे लगाएंगे। मीठी ब्रेड पे लोग अक्सर सजेस्ट करते हैं कि जो मीठी ब्रेड होनी चाहिए, ये सुबह कुछ मीठा भी हो जाए, तो शक्कर का इस्तेमाल कर लें, चीनी का ना करें, और पीनट बटर ऐड कर लें, और एक फल की सर्विंग लाजमी रखें, शॉर्ट फल की सर्विंग, जिसमें मौसमी फल लाजमी हो। ठीक है, और इफ्तारी में फिर क्या करना चाहिए हमें? इफ्तारी में तो दस्तरखान में हम टूट पड़ते हैं, सारा कुछ ही हमने खाना होता है। देखिए जी, इफ्तारी में तो सबसे पहले पकोड़े, समोसे, हाँ, ये सारी चीजें आती है, ये तो नहीं, उसमें हम लोग कहीं इफ्तारी में जाते हैं, हमारे यहाँ ना एक ट्रेंड बन गया हुआ है इफ्तारी का कि हम लोग ये खाएंगे, ये खाएंगे, और समोसे पकौड़े तो पहले हाथ आपको सबसे पहले वो मिलेंगे। तो उससे दूर रहते हुए मैं लोगों को ये कहूँगा कि बाद में आपको ब्लॉटिंग इश्यूज होते हैं, बाद में आपको लिवर के इश्यूज होते हैं, गैस्ट्रो के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप इफ्तारी सिर्फ 2-4 मिनट वेट करके खा लें। तो उसमें वेट करने के ये है कि आप सबसे पहले तो खजूर जो हम लोग अपनी उसको बैकअप को पूरा करते हैं, खजूर से लेके शुगर बैकअप को, और देन आपका आएगा लेमन वाटर। लेमन वाटर या डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स वाटर कोई भी जूस से तैयार कर दो, हाफ जूस हो जाए हाफ वाटर। इसके बाद नमाज के बाद आप शॉर्ट मील लें। शॉर्ट मील में भी कोशिश करें कि अक्सर लोग बीफ मटन इस तरह की चीज सजेस्ट करते हैं, मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता कि सुबह से आपका स्टमक खाली है क्योंकि उस पर बर्डन आ जाता है। अच्छा। तो इसलिए आप इसको शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट लाइक के आप उसको अगर खाना चाहते हैं तो हाफ क्वांटिटी में खा लें, या आप उसकी क्वांटिटी में दाल ऐड कर लें, या आप उसकी क्वांटिटी में सब्जी ऐड कर लें। जो बीफ या चिकन मटन है ना, इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा बाद में आप इनटेक कर लें, जो आप वर्कआउट बाद में करते हैं उसके बाद, क्योंकि आपको वर्कआउट के फौरन बाद भी प्रोटीन इनटेक की जरूरत होती है। अच्छा, ठीक है। तो आपने स्पेशली एक अभी क्या कॉफ़ी से दूर रहना है इस रमज़ान, क्योंकि हमारे यहाँ एक हम हर शहर का एक मौसम होता है पाकिस्तान में। तो हमारे लाहौर, क्योंकि हम लाहौर न्यूज़ में हैं, तो लाहौर के अंदर हमारा जो मौसम है वो भी क्योंकि गर्म है, तो कैफीन इनटेक से दूर रहना है। आप ग्रीन टी पी सकते हैं, वीटेबल बिस्किट ले सकते हैं, क्योंकि स्नैक मील की आपको ज़रूरत होती है 11, 12, 1 बजे। स्नैक मील में ग्रीन टी और आप वीटेबल बिस्किट्स और पीनट बटर इस तरह से दोबारा इनटेक कर सकते हैं। और क्विकली मैं इसका जवाब लेना चाहूँगी अली, कि बहुत से लोग हैं वो डाइट भी कर रहे होते हैं, उनकी मेंटेन होती है, दूसरे वो एक्सरसाइज भी बड़े प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन उनका फिर भी वजन जो है वो स्टक रहता है, इसकी क्या वजह है? फर्स्ट ऑफ ऑल वज़न स्टक होने की वजह यह है कि यहाँ हमारे कुछ मेरे जैसे ट्रेनर सर आते हैं जो उनको टाइम नहीं देते। टाइम लाइक इस तरह का देने का होता है कि एक पर्सन को देखना होता है वो कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहा है और कितनी बर्नआउट कर रहा है। बर्नआउट और इनटेक के अंदर उसका जो कैलोरी बर्न रेट है वो एक हफ्ते में कितना बर्न कर सकता है और उसके अंदर से कितना माइनस हो रहा है, ये एक पूरा ग्राफ है। मैं एक सेगमेंट आपके साथ ये भी करना चाहूँगा क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए, लोगों को ये नहीं पता कि वो क्या खा रहे हैं, कितना वर्कआउट कर रहे हैं और क्या बर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस गैप को क्लियर करना चाहिए, और उसके बाद जो लोगों का वजन कम नहीं करता वो लाजमी चीटिंग करते हैं। लाजमी चीटिंग करते हैं, बताते नहीं है लेकिन चीट डे कर रहे होते हैं और उनको वो बता नहीं रहे होते अपने ट्रेनर्स को। ठीक है जी, अली रजा भट्ट फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बड़ा अच्छा सेगमेंट रहा कि रोजे में हम लोग किस तरह अपनी फिटनेस जो है उसको बरकरार रख सकते हैं, क्या क्या चीजें हमने खानी है और किन किन से हमने हाथ जो है वो पीछे ही रखना है। तो जनाब अभी के लिए इतना ही है इस सेगमेंट के लिए, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। लाहौर न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। माह रमज़ान मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास इनाम है, और जहां अल्लाह तबारक ताला ने उम्मत मुस्लिमा पर दीगर कई नेमतें नाज़िल फरमाई हैं, वहीं अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद को दुआ मांगने जैसी नेमत से नवाजा है और दुआ को भी एक इबादत और बंदगी का जरिया करार दिया है, जो कि इस उम्मत का ख़ास एजाज़ भी है। वरना हज़रत काब अहबार की रिवायत के मुताबिक पहले ज़माने में ये खसूसियत सिर्फ अम्बिया कराम के पास थी। तो अम्बिया लोगों के लिए दुआ किया करते थे, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाते थे, और उम्मत मुहम्मदिया की खसूसियत है कि ये हुक्म पूरी उम्मत के लिए आम करार दिया गया। और कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि और तुम्हारे रब ने कहा कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। वैसे तो दुनिया की हर शय अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताबे है, उसी ने दिन और रात बनाए और उसी और हर दिन उसी का ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ दिन और कुछ रातें, कुछ महीने मखसूस किए हैं जिनमें हमारी इबादतों का जो सवाब है हमें ज़्यादा मिलता है। तो दुआ कबूल की जाती है, इसमें से एक माह है माह रमज़ान जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। तो दुआ की क्या फजीलत बयान की गई है कुरान और हदीस की रोशनी में, और दुआ मांगने का तरीका क्या है, किस तरह मांगनी चाहिए, इस पर आज हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मतिउल्लाह बाजवा साहब हैं, आलिम दीन हैं। प्रोफेसर साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। प्रोफेसर साहब, आज हमें बात करनी है दुआ के हवाले से। तो सबसे पहले तो हमें बताइए कि इस माह मुकद्दस में हम लोग दुआएं मांगते हैं और दुआ की भी बड़ी एक अहमियत है, तो दीन में जो है दुआ की क्या हैसियत बयान की गई है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, दुआ को इबादत ही करार दिया गया है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है गोया। और अगर हम लुग़वी मानी की तरफ जाएं तो सलात के माना भी दुआ है, पुकारना। गोया जब आप नमाज पढ़ते हैं तो ये भी आप अल्लाह ताला को पुकार रहे होते हैं। और आप देखिए कि आपका जो आगाज़ है नमाज का वो भी दुआ से होता है। आप अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं, अपना अक़ीदा इजहार करते हैं और फिर आप उसके बाद एक ख़ास दुआ मांगते हैं इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, और उसकी वजाहत करते हैं कि कौन सा रास्ता भी उन इनाम याफ्ता लोगों का जिन पर तूने गज़ब ना किया हो, जो गुमराह ना हुए हो। फिर उसके बाद आप पूरी नमाज में आखिर तक दुआ की मुख्तलिफ कैफियत में रहते हैं और आखिर का आप जो है वो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के साथ भी अपने साथ शरीक जो है नमाज में उन पर आप सलामती की दुआ करते हुए इसको ख़त्म करते हैं। दुआ का, और एक हदीस में फरमाया कि दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का भी मग़ज़ है, यानी इसका ये निचोड़ है, खुलासा है कि अगर आपकी दुआएं जो हैं वो आप नमाजें आपकी इबादत दुआओं से खाली हैं तो फिर आपने कोई इबादत नहीं की है। आप अल्लाह ताला से रुजू नहीं करना चाहते हैं। आप देखिए ना कि आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखा इसलिए कि आप अल्लाह ताला को राज़ी करें, इसमें आपको मौका दिया, इसमें आपको वो घड़ियाँ दी कि आप अगर दुआ करें तो अल्लाह उन दुआओं को कबूल करता है। आप हज के लिए जाते हैं इसलिए कि आपके गुनाह माफ़ किए जाएँ और आपकी सारे साबका ज़िंदगी जो है उसको साफ़ किया जाए। और वहाँ एक दिन तो ऐसा भी आता है जिस दिन इंसान जो भी दुआ मांगता है उस दिन कबूल की जाती है, या रफात का दिन है। आप बैतुल्लाह जाते हैं जहाँ दुआएँ मकबूल होती हैं, आप रमज़ान में आप घड़ियाँ मिलती हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, दीगर जो भी मामलात आप करते हैं, तो गोया दुआ दीन का बड़ा बुनियादी हिस्सा है, ये उसका निचोड़ है, इबादत का निचोड़ दुआ है। अब जो दुआ के हवाले से जो अहमियत अगर इसकी हम देखें तो अल्लाह ताला ने, देखिए कि अल्लाह ताला एक बात तो ये फरमाई कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं जवाब देता हूँ, यानी अपने आप को पुकारने के लिए आमादा किया कि मुझसे बात करो, मेरे साथ कलाम करो, मेरे करीब आओ। और दूसरी जगह पे कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वैसा साला का इबादी अन्नी फ़ैनी करीब उजीब दावत दाई दान, जब मेरे बंदे आपसे ये सवाल करते हैं, मेरे मुतालिक सवाल करते हैं तो आप इन्हें बताइए कि मैं इनके इंतहाई करीब हूँ, इंतहाई करीब हूँ। कितना करीब, कुरान ने ही उसकी वजाहत कर दी वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं इनकी शहरक से भी करीब। अब ये शहरक से करीब होने की जो बात है बड़ी लतीफ़ इसमें पराया ये है कि आपके जो सीने से ख्यालात उठते हैं और उनकी कोई शक्ल और कोई शेप और कोई अल्फाज नहीं होते, खुद इंसान को भी उनकी सही तौर पे पहचान नहीं होती जब तक कि वो अल्फाज नहीं बनते। दिल में ख्वाहिश होती है और ख्वाहिश का क्या रंग होगा, उसके कौन से लफ्ज़ होंगे, ये आपको खुद भी पूरी तरह से तो कंट्रोल नहीं होता। आप बस आपके दिल के अंदर ये बात आती है और आप उसको ऊपर बुलंद करते हैं। ये जो आपका पॉइंट है, एक चेकिंग पॉइंट आपके वजूद का, जिससे आपकी सांस भी चलती है और जिससे आपकी ख्वाहिश भी ऊपर बुलंद होती है, शारक, जिसको अगर दबा दिया जाए, काट दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए तो इंसान उसी वक्त डेथ हो जाए। तो यहाँ से जब आपके दाहन में आती है बात तो फिर ये आपकी ज़ुबान उसको अल्फाज की शक्ल दे के बाहर फेंकती है। लफ्ज़ का मतलब ही फेंकना है। तो जब तक वो नीचे रहती है उस वक्त तक आपको भी थोड़ा पता होता है उसका, और खुद क्या कुछ सीने के अंदर छुपा है खुद इंसान को भी पता नहीं होता अक्सर औकात। और जब उसको दूसरों को तो खैर कोई भी खबर नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तो तुम्हारे उन ख्यालात को भी जानता हूँ जो खुद तुम्हारे सीने के अंदर हैं जब वो भी लफ्ज़ भी नहीं बने। मैं इतना करीब हूँ, इसलिए मुझसे मांगो, मेरे साथ बात करो, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ मुझे पुकारो और मेरे सिवा किसी को मत पुकारो। क्योंकि इबादत में अल्लाह ताला किसी किस्म का कोई शिर्क बर्दाश्त नहीं करता। बेशक, और दुआ इबादत है। अगर आप अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारते हैं, क्या कसूर था कुफार मक्का का या दीगर कुफार का कि वो जहाँ तक तौहीद की बात है तो कुछ हिस्सा तौहीद का वो मानते थे। यानी कुरान मजीद ने इनसे कहा, पूछे किसने जमीन आसमान को बनाया तो ये कहेंगे अल्लाह ने बनाया। इनसे पूछे कि कौन आसमान से पानी नाज़िल करता तो ये कहेंगे अल्लाह उतारता है। इनसे पूछे आप किसको पुकारते हैं जब आप कश्तियों में फंस जाते हैं तो कहेंगे अल्लाह को पुकारते हैं। तो क्या बात थी, वो जो नहीं मानते थे वो दरमियान में कुछ और लोगों को डालते थे कि हमारी दुआएं बराह रास्त अल्लाह नहीं सुनता, बल्कि इन लोगों के जरिए से सुनी जाती हैं। ये वजह थी जिसको अल्लाह ने उनका शिर्क करार दिया कि ये अल्लाह ताला के दरमियान, अल्लाह के मुकाबिल कुछ लोगों को लाते हैं जिनके बारे में इनका नजरिया अकीदा ये है कि ये सुनते हैं और अल्लाह नहीं सुनता। तो आज भी बहुत से लोग आपको नजर आएंगे कि जो अपनी दुआएं जो हैं वो अल्लाह ताला से करने के बजाय, क्योंकि दुआ इबादत है, अब जब आप अल्लाह की बजाय किसी और के लिए करेंगे और किसी और को कहेंगे कि आप मेरी बात सुन लें, अच्छा, तो ये अल्लाह ताला के साथ जो है मतलब हम किसी और से अपने लिए दुआ नहीं करवा सकते हैं। नहीं, आप दुआ करवा सकते हैं, ठीक है। आप हम मोमिनों को, मुसलमानों को हुक्म दिया कि हम दूसरों के लिए दुआ करें, बिल्कुल, हम बिल्कुल अपने साबका गुजर जाने वाले मुसलमानों के लिए भी दुआ करते हैं, हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैं ये तसव्वुर कर लूं कि मेरी दुआ जो है वो बराह रास्त अल्लाह नहीं सुनता जब तक कि आपको नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको सुनाऊं जिंदा को या किसी मुर्दा को, ये नजरिया दुरुस्त नहीं है। बराह रास्त अल्लाह को पुकारें और तमाम, देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अम्बिया का तस्करा किया और उनके उन मसाइल का तस्करा किया, उनकी उन दुआओं का तस्करा किया। मसलन बड़े बड़े अनोखे और अजीब मसाइल थे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया अल्लाह ताला ने कि जब वो अपनी भतीजी या भांजी हजरत मरियम को बंद करके चले गए और 2-3 रोज बाद उन्हें याद आया कि मैं तो अपनी बेटी को बंद कराई अपने हुजरे में, तो बाहर से कोई जा नहीं सकता, अंदर से वो बाहर नहीं निकल सकती, वो तो भूख से मर जाएगी। जब वापस आई इस फिक्र के साथ तो देखा वजदहा इंदहा रिज़्क़ा, उनके पास फल पड़े हुए हैं, वो भी मौसम के बगैर वाले। तो पूछा कि ये कहाँ से आए, तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्लाह से आए हैं, अल्लाह की तरफ से आए हैं। जब ये बात सुनी तो कुरान कहता है कि उनके दिल में ये बात जागी कि अगर इसको बगैर मौसम के फल मिल सकते हैं, बंद कमरों में फल मिल सकते हैं, तो मैं बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, मुझे भी एक बेटे की जरूरत है। फनादा, उन्होंने फौरन अल्लाह को पुकारा, इस नादा रब्बहू, जब अपने रब को उन्होंने पुकारा और अल्लाह से कहा अल्लाह मुझे एक बेटा अता कर दे, और फिर साथ अपनी कमजोरियां भी बयान की कि अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बीवी बांझ हो गई है। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। जितने अंबिया की दुआ आप देखेंगे तो ये रब्बाना से शुरू हो रही होती है, अब बराह रास्त अल्लाह को पुकार रहे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही आदाब हमें सिखाए कि हम बराह रास्त अल्लाह से कलाम करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह मांगने वालों से खुश होता है। लेकिन प्रोफेसर साहब यहाँ पे बात आ जाती है कि हम दुआ मांगे कैसे, क्या तरीका कार है दुआ मांगने का? देखिए उसमें 2-3 जो बड़े अहम अदब हैं। पहली बात तो ये है कि जो आदमी दुआ करना चाहता है वो अल्लाह ताला के बारे में क्या नजरिया रखता है, ठीक है। हम अक्सर, मैं ये बात अपने नाजरीन से जरूर कहना चाहूँगा, इस बात पे तवज्जो दें कि हम अक्सर ये दुआ, हम जो दुआएं कर रहे होते हैं, हम खुद हमारे दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये शक पाया जाता है कि पता नहीं ये कबूल होनी है कि नहीं, पता नहीं ये दुआ जो है वो मेरी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, और फिर शक कर रहे होते हैं किस पर, अल्लाह ताला पर। बराह रास्त हम कहते नहीं हैं अल्लाह ताला पर हम शक कर रहे हैं, लेकिन आपका रवैया ये इजहार करता है कि आप अल्लाह ताला पर यकीन नहीं करते। अल्लाह ताला का तारुफ ये है, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कुदरत रखता है, वो नामुमकिनात को भी मुमकिन। दुआ तो असल में आपके लिए एक उम्मीद की खिड़की है कि डॉक्टर कहें कि आपका मरीज जो है वो अब जिंदा नहीं रह सकता, तो आप दुआ के लिए हाथ उठा लेते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा तो कोई सहारा नहीं है, और फिर भी आपकी एक उम्मीद जाग रही होती है। कोई दुनिया की कोई नाकामी आपको हासिल हो जाए तो फिर आप सोचते हैं कि अल्लाह ताला का दरवाजा तो खुला हुआ है, और अल्लाह ताला ने इस दरवाजे को खुला रखा है, और साथ यहाँ तक कहा है ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, अल्लाह को पुकारना है, हर तरह की बात, हर तरह के मामले में अल्लाह को पुकारना है, क्योंकि अल्लाह ताला असबाब का मोहताज नहीं है। मैं और आप असबाब के मोहताज हैं, हमारी हम एक दूसरे की मदद असबाब के साथ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो असबाब से मावरा है, वो तो असबाब का भी मुसब्बिब है, वो तो असबाब का भी खालिक है, उसको असबाब से क्या लेना देना। कितने ऐसे वाकयात हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं, खुद कुरान मजीद के अंदर, अहादीस मुबारका के अंदर, अंबिया के केसेस के अंदर, कि वो जब इंतहाई ऐसी कैफियत में फंस गए, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एक दुआ का जिक्र कुरान में अल्लाह ताला ने किया है कि 313 थे आपके पास और उनके पास हथियार भी नहीं थे, और मुकाबले पर 1000 है, और वो कत्लो गैरत का इरादा लेकर आए हैं, और ये जो 313 हैं, ये अक्सर इनमें से वो हैं जो बुखार के मारे हुए, बुखार ज़दा थे, कमज़ोर थे, जिस्मानी तौर पर भी ये मक्के वालों से कमज़ोर थे, और माशी तौर पर भी कमज़ोर थे। अब इनको आप लेके आए हैं, जो आपके पास होता है वो आप अपना पहले पेश करें, बिल्कुल, फिर उसके बाद अल्लाह ताला पे तवक्कुल करें और दुआ करें। और इतनी दुआ आपने की, इतनी दुआ की, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जो आपके साथ खड़े थे और आपके पीछे आपका दिफा करने का, आपकी हिफाजत, चौकीदारी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उठे हुए हैं और आप दुआ करते जा रहे हैं, इल्हाह जारी करते जा रहे हैं, हत्ता कि आपकी इस कैफियत ऐसी हो चुकी है कि आपके कंधों से आपकी मुबारक चादर गिर पड़ी, तो उन्होंने उठाकर आपके कंधों पर रखी, आप हालत नमाज में हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अनु पीछे से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल बस करें, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली होगी। कुरान ने बिल्कुल वही बात की कि उस वक्त को याद कीजिए, इस तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम, जब आप अल्लाह ताला से मांग रहे थे, नामुमकिन बात थी ना, 313 का 1000 के साथ मुकाबला, तो आपने मांगा और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुनी और फरमाया कि हमने आपकी दुआ ऐसे सुनी है कि हम आपकी मदद के लिए 1000 फरिश्ते को भेज रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ये सच्चे दिल से अगर दुआ की जाए तो वो जरूर जो है कबूल होती है। प्रोफेसर डॉक्टर मतिउल्लाह बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आलिम दीन है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं और अब आपने मुझे इजाजत देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।